नमस्ते अभिवादन, आपका न्यूसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बात करेंगे रिचार्ज की, क्योंकि मार्केट तो एकदम सही सलामत चल रही है, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिखा रही है। लेकिन एक चीज़ जो एकदम दिल तोड़ रही है वो है रिचार्ज का प्राइस बढ़ जाना। जी हाँ, रिचार्ज कल से यानी कि 3 जुलाई से महंगा हो जाएगा, 155 वाला बढ़ जाएगा 189 का हो जाएगा, 34 रुपये का इंक्रीज़ है यहाँ पर। और अगर आप हाइएस्ट प्लान देखोगे जियो का, 3000 वाला हो जाएगा 3599, 600 की बढ़त यहाँ पर है, लगभग 20% प्राइस यहाँ पर बढ़ रहा है, कहीं कहीं तो इनका प्राइस 25% भी बढ़ गया है। तो इन सब चीज़ों को टैकल कैसे करना है, क्या हिडन सीक्रेट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और कैसे आपको रिचार्ज करना है जिससे आप कुछ पैसे बचा सको वो मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो सबसे पहली कन्फ्यूज़न होती है उसको मैं दूर करना चाहूँगा। भैया देखिए, हमारा रिचार्ज तो अभी 4 दिन बाकी है, 40 दिन बाकी है, 15 दिन बाकी है, 50 दिन बाकी है, तो हम क्या करें, हम पहले से ही रिचार्ज कर लें? जी हाँ, अगर आपकी जेब में पैसा है, कैश इन हैंड है, तो आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि 40 दिन में आप जो भी रिचार्ज करोगे, 84 दिन वाला, 90 दिन वाला, 180 दिन वाला या फिर 365 दिन वाला, वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा, चाहे आप जियो करा रहे हो, चाहे आप एयरटेल करा रहे हो, और आपकी कोई कंपनी है तो वहाँ पता कर लीजिएगा। इन दोनों का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर वैलिडिटी ऐड हो जाती है। एयरटेल में शायद 2 साल तक की ही वैलिडिटी ऐड होती है, 730 दिन या 720 दिन की, आप ये कंफर्म ज़रूर कर लीजिएगा। जियो में शायद ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये भी आप पता कर लीजिएगा। 2 साल तक का आप एडवांस में रिचार्ज करके रख सकते हो, ठीक है। सबसे पॉपुलर प्लान जो जियो का चलता है वह है 666 वाला, ये हो जाएगा 800 रुपये का, तो लगभग 133 रुपये यहाँ पर बढ़ जाएंगे। ये भी प्लान काफ़ी पॉपुलर है, जहाँ पर 3 GB डेटा मिलता है, अभी तो 5G अनलिमिटेड चल रहा है, तो हो सकता है इसकी पॉपुलरिटी थोड़ी सी कम हुई हो, लेकिन ये भी प्लान काफ़ी पॉपुलर है। हाँ, ये वाला प्लान वैल्यू वाला प्लान है, 1559 रुपये में आपको 336 दिन की वैलिडिटी मिल जाती है, डेटा इसमें सिर्फ 24 GB मिलता है, ओवरऑल डेटा है, ये डेली बेसिस पे नहीं है, यहाँ पर ये जो डेटा है ये डेली बेसिस पे है। तो चलिए ट्रिक बताते हैं आपको कैसे आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। यहाँ पर अभी एग्जिस्टिंग प्लान्स हैं, रिचार्ज महंगा हो जाएगा तो आपको नए प्लान्स भी यहाँ पर दिखने लगेंगे, ये एयरटेल के प्लान्स हैं, ठीक है। मैंने टेलीग्राम पे आप सबके लिए अपडेट डाला था, भैया देखो आज से 10 साल पहले कितना महंगा, हद दर्जे का महंगा वाला प्लान हम लोगों को दिया जाता था। भाई आधे घंटे नेट चलाने के हम लोगों ने 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये फूंके हैं, और आप में से भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि जैसे ही हमारा जो एक होता था, एक लिमिट मिलती थी हमको, 300 MB, 400 MB, 200 MB, 100 MB, कुछ कुछ रिचार्जेस तो सिर्फ 50 MB के होते थे। एक बार सोच के देखो भाई, 50 MBPS की तो इस वक्त क्या बताएं, सच में 1 GBPS का आप नेट कनेक्शन अगर लगवाए हो तो 50 MBPS पे आपकी डाउनलोडिंग छू जाती है। अब आप सोच के देखिए, एक बारी सोच करके देखिए कि कहाँ से कहाँ चीज़ें पहुँच गई थी। अभी थोड़ा सा प्राइस बढ़ा है, तो भैया पैसा बचाना तो सबकी ज़िम्मेदारी, हम सबको पैसा बचाना चाहिए, वो हम कैसे बचा सकते हैं उसको हम थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हाँ, VI में एक चीज़ है कि इनका जो प्लान है वो 4 जुलाई से महंगा हो रहा है, तो ये आपके लिए एक राहत की खबर है, एक दिन के लिए। बाकी अच्छा हुआ 31 तारीख को सबकी सैलरी आ जाती है, इसी हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है कि सैलरी आए तो इस बारी सबसे पहले बंदा पैसा रिचार्ज में ही खर्च करे। इस बार बहुत सारे लोग बहुत तगड़ा पैसा रिचार्ज में खर्च करेंगे, मैं आपको समझाने चल रहा हूँ आपको कैसे खर्च करना है और कैसे आप अपने पैसे सेव कर सकते हो, कैसे आप सिर्फ और सिर्फ हर महीने पेमेंट करते हुए साल भर वाला रिचार्ज कर सकते हो, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर ईयरली प्लान सेलेक्ट किया हुआ है जियो का, आसपास ही रिचार्ज प्लान अवेलेबल है, वोडाफोन का भी और एयरटेल का भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है क्रेडिट कार्ड EMI। जब आप पेमेंट करने जाओ, 272 रुपये आपको पे करने हैं 12 महीनों के लिए, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 16% का, लेकिन आपका पैसा धीरे धीरे कम होता जाएगा, इसीलिए ये जो ओवरऑल कॉस्टिंग दे रहा है वो आपको दे रहा है सिर्फ 266 रुपये की, ठीक है। तो आप साल भर का रिचार्ज भी कर लिए, आपको पैसा देना पड़ा 272 रुपये महीने का, ठीक है। और अगर आप कोई रिचार्ज करो 2.5 GB वाला, उससे तो ये प्लान आपको सस्ता ही पड़ रहा है। ये क्राइटेरिया आप समझ गए होगे मैं क्या समझाना चाहता हूँ। 266 रुपये आपके लगेंगे इंटरेस्ट, 3265 रुपये आपकी आएगी टोटल पेमेंट। अगर आप देखोगे 3000 का रिचार्ज आपको 3265 में मिल जाएगा, स्टिल आपके 330 रुपये के आसपास बचेंगे। हाँ, कुछ जगहों पे आपके हो सकता है ये पैसे इससे भी कम बचें, क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जो 99 रुपीज़ प्लस GST ले लेते हैं,
ईएमआई कन्वर्ट करने पे। कुछ ऐसे होते हैं जो 199 रुपीज़ ले लेते हैं प्लस जीएसटी, तो हो सकता है आपको 250 रुपये तक वहाँ पर एक्स्ट्रा देना पड़ जाए, लेकिन फिर भी आपके कुछ रुपए तो यहाँ पर बच ही जाएंगे। उसके बावजूद भी आपको जो पेमेंट देनी होगी वो मंथली बेसिस पे देनी होगी। सबसे बड़ा एडवांटेज सैलरी वाले सैलरीड पर्संस के लिए तो यही हो जाएगा कि भैया हमारी जो पेमेंट जाएगी वो महीने में एक ही बार जाएगी और हम आराम से रिचार्ज कर सकते हैं। कुछ लिमिटेशंस हैं यहाँ पर। पहली लिमिटेशन ये है कि आपको ये जो सुविधा है मोस्ट प्रोबेबली ईयरली प्लान पे ही मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे क्रेडिट कार्ड ऐसे हैं जो 1500 या 2000 या 2500 के नीचे ईएमआई कन्वर्जन करने ही नहीं देते। डिपेंड करता है आपके पास कौन सा क्रेडिट कार्ड है। हाँ, यहाँ पर आपको एक दूसरा डिसएडवांटेज मिलेगा, जो आपके क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स होते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पर कुछ लोग ऐसा क्रेडिट कार्ड लेके रखे होते हैं जहाँ पर रिचार्ज करने का उनको पॉइंट मिलता है या फिर कैशबैक ही मिल जाता है, जैसे कि अमेज़ॉन का ही क्रेडिट कार्ड है। सो वहाँ पर आपको वापस मिल जाता है पैसा 2% 4% डिपेंड कर 2% 3% डिपेंड करता है। शायद एयरटेल और पेटीएम का कोई कार्ड है, वहाँ पर 4% मिलता है, एक्सिस बैंक का कोई है, तो जिसके पास हो आप उससे डील कर सकते हो अगर वो आपका खासम खास है, दोस्त है। तो आपको पे मंथली करना होगा, कॉस्ट भी आपकी बच जाएगी। तो ये एक ट्रिक है जो आपको यूज़ करनी चाहिए। इसके अलावा भी कुछ ट्रिक्स हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ ये समय का ही आप वो बचत कर पाओगे। बाकी हम लोग तो जब स्टूडेंट्स थे तो काफ़ी नंबर पोर्ट करा करा के बहुत सारी ट्रिक लगा करके सेविंग्स करते थे। अब आप सोचोगे एक सर आप 100-200 रुपये बचाने के लिए इतनी बड़ी वीडियो क्यों बना रहे हो, तो भैया अगर हम 5 रुपये सस्ता स्टॉक खरीदने के लिए 5 दिन वेट कर सकते हैं तो यहाँ पर तो पैसे बच रहे हैं, यहाँ डायरेक्ट पैसे बच रहे हैं। सबसे पहला पैसा तो यही बचेगा, आज की जगह कल की जगह अगर आप आज ही रिचार्ज कर लेते हो तो आप 600 रुपये तो डायरेक्ट यहाँ पर बचा रहे हो। नहीं भी कर रहे हो तो मंथली बेसिस पे आप पेमेंट कर रहे हो तो वो पैसा आप कहीं और भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कोशिश किया करो कि समझा करो अंदर की भावना। टेलीग्राम पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कितना दुख दर्द होता था, हम लोग प्रॉक्सी चेंज करके, पोर्ट चेंज करके, पता नहीं क्या क्या करके नेट चलाते थे, और मतलब वो ज़माना ही अलग था, ये ज़माना बिल्कुल अलग है। यहाँ पर कॉलिंग को एकदम बैकडोर में डाल दिया गया है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट का चार्ज आपसे लिया जाता है, लेकिन फिर भी 20% तक प्राइस, 25% तक प्राइस बढ़ जाना एक अचानक से डेंट देता है। मेरे हिसाब से बिजनेसेस को इसको दूसरे तरीके से टैकल करना चाहिए, लेकिन ये ऐसा है ना, कहते हैं ना एक मोनोपोलिस्टिक मार्केट होती है, तो ये लगभग मोनोपोली जैसा ही बन गया है, कह लो डुओपोली बन गया है। इसके अलावा और तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि तीसरी जो कंपनी है वो बेचारी बैकफुट पे पहले ही रहती है, बीएसएनएल का क्या ही कहें। तो ये जो डुओपोली है ना, यहाँ पर इन लोगों को पता है कि लोग जाएंगे कहाँ, इसीलिए वो 20% बढ़ा दें, 25% बढ़ा दें, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि इतना दाम बढ़ जाने के बाद भी हम पूरी दुनिया में जिस तरीके से अपने देश की कंडीशन है उस तरीके से अगर देखें, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें, तो हम वन ऑफ द चीपेस्ट इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं भाई, चीपेस्ट प्राइस पे इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। क्वालिटी हमारे यहाँ के इंटरनेट की गजब की है। मुझे जो इंटरनेट मिलता है उसमें पिंग भाई साहब 4-6, 4-6-8 जाता है, जो कि ड्रामेटिकली परफेक्ट है, मतलब बहुत बेहतरीन है। ठीक है, तो धन्यवाद भी बनता है सरकार को और कंपनियों को भी, क्योंकि उन्होंने हम तक जो सर्विसेज इतने सही रेट पे पहुंचा दी है, वही मतलब हम लोग शायद डिजर्व नहीं करते थे। 10 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कितना बढ़िया रेवोल्यूशन हो जाएगा, और 10 साल बाद भी, मतलब आप 10 साल पहले का रेट अगर कंपेयर करो तो अभी का रेट बहुत सस्ता है उसके सामने। तो आई होप मैंने आपको ट्रिक बता दी। हाँ, जिनको और लंबा ईएमआई खींच देना है लेकिन रिचार्ज आपका ख़त्म ही हो जाएगा तो कोई फ़ायदा है नहीं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एक साथ 2 रिचार्ज कर सकते हैं, क्या कर तो सकते हो, लेकिन वो अलग अलग ही आपको करना पड़ेगा। तो जो आपका 99 प्लस जीएसटी लगेगा वो आपको अलग अलग ही पे करना होगा, तो वहाँ से आपको कुछ और पैसे बच जाते। तो आई होप मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दे पाया हूँगा कैसे आप चीज़ों को टैकल कर सकते हो। बाकी बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप, हाँ कुछ लोग ये भी ध्यान रखिएगा, कुछ क्रेडिट कार्ड्स कन्वीनियंस फीस भी लेते हैं, तो अगर वो ले रहे हो तो बोलना भैया नमस्कार, हम कोई और नो कॉस्ट ईएमआई जैसा कोई कार्ड हो आपके पास देखिएगा, शायद वो भी दे रहा हो। बाय नाउ पे लेटर भी ऑप्शंस आजकल अवेलेबल हैं, चेक करो आपका बैंक आपके वो क्या ऑप्शन दे रहा है। बाकी अभी तो कुछ ही घंटे शेष हैं, उनका सदुपयोग कर लो। तो
अभी के लिए इतना ही, चलते हैं, मार्केट सही चल रही है। हाँ, बैंक निफ्टी आज थोड़ी सी गिर गई, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। लेवल्स की जैसे ही ज़रूरत महसूस होगी मैं आपको आकर के बताऊंगा। हाँ, वार्निंग आपके लिए क्या मैंने दी है वो आप जा कर के देख लेना। मैंने सुबह एक मैसेज आपको ड्रॉप किया था फ़ोटो के माध्यम से कि भैया टेलीग्राम पे, ऑफकोर्स टेलीग्राम पे ही गया था मैसेज, कि मैंने बोला था आप लोग कंफर्टेबल हो क्या इस चीज़ से। तो बैंक निफ्टी उस कारण नहीं गिरी, बैंक निफ्टी के गिरने का कारण डिफरेंट है, लेकिन आप देखो वो डेटा और खुद से एनालाइज करो कि फंडामेंटली क्या आप अभी बैंकिंग स्टॉक्स में रहना चाहोगे या कहीं और आपकी नज़र है। तो इसी हिसाब से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी चाहिए। हाँ, रिचार्ज की प्लानिंग कैसे करनी है, अपनी फैमिली वालों को कैसे समझाना है वो आप समझाओ। और हाँ, अगर किसी दोस्त का रिचार्ज कर रहे हो बहुत अलर्ट मोड में ही करना, जब तक आपको उस पर पूरा भरोसा ना हो, क्योंकि लोग रिचार्ज तो करा लेंगे उसके बाद जब ईएमआई देने की बारी आएगी ना तो कहेंगे हाँ भाई अभी थोड़ा नेटवर्क नहीं आ रहा है, तुम्हें लगता है बेकार रिचार्ज कर दिया है, तो क्या करोगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। हो सके तो पैसा उनसे एडवांस में ही ले लेना। बाकी देखो यार, आपको दोस्ती यारी कैसे संभालनी है वो संभालते रहो। अभी के लिए इतना ही। कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मिलेंगे आपसे ढेर सारी अच्छी और कमाल की वीडियोज़ में। आपका आभार, नमस्कार।